तलवार समाज को हम एसटी करके देंगे, बीजेपी को वोट करो, ये तलवार समाज को एसटी करके देंगे, कांग्रेस को वोट दो, सबको किया हमने, तलवार नहीं दिख रहे, खाली इलेक्शन के टाइम में लोगों को तलवार समाज याद आएगा। तलवार समाज से हाईकोर्ट को आदेश को रिजेक्ट कर रहे हो ना, हाईकोर्ट आदेश है मेरे पास। मतलब ये नहीं मांग रहे, जो संविधान में जो लिखा है ना वो हम मांग रहे, किसी का बाप का ये नहीं मांग रहे हम। हम और कंटिन्यू करेंगे, आपकी सरकार को गिरा के दिखाएंगे। रमेश भुसनूर को जिताओ, बीजेपी वाले ने ऐसे बात किया, रमेश भुसनूर साहब को तुमने जिताओ, तो रमेश भुसनूर अगर जीत गए तो दो दिन में आपको तलवार समाज को एसटी मिलेगा। हाईकोर्ट तो आदेश दे दिया है एसटी देना बोल के, इन्होंने नहीं दे रहे तहसीलदार। हम तहसीलदार के ऊपर क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं? एसटी मिलना चाहिए, नहीं तो आगे तीनों पक्ष तीनों एक दफा अगले हम देखेंगे फिर। By Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hills Circle Ring Road, Gulbarga. हमारा जो ये कलबुर्गी में जो तलवार समाज का होराट जो चल रहा है, हमने आज से नहीं कम से कम दो साल पहले हमने उपवास सत्याग्रह भी रखे थे हम लोग ले इधर तीन महीने के लिए, तो वो टाइम पर हमको आश्वासन दिया तुम्हारा जो है एसटी तलवार समाज का एसटी सर्टिफिकेट हमको है ना कम से कम 48 आवर्स में आपको दे देंगे, आप इधर से टेंट खाली करो करके बोले, ऐसे हमको आश्वासन दिया। यही डीसी के पास हमने मनवी भी दिए थे तो उन्होंने बोला नहीं आपको तलवार का जो है ना तलवार का जो है ना तो आपका जो है ना एसटी हम जरूर देंगे आपको, पक्का देंगे ये तलवार करके, ऐसा बोल के हमको टेंट से हमको निकाल दिया वो टाइम पर। और लास्ट टाइम ये भी क्या हुआ, ये दो तीन महीने उपचुनाव चल रहा था सिंधगी में, सिंधगी में उपचुनाव जिधर रमेश भुसनूर को जिताओ, बीजेपी वाले ने ऐसे बात किया, रमेश भुसनूर साहब को तुमने जिताओ, तो रमेश भुसनूर अगर जीत गए तो दो दिन में आपको तलवार समाज को एसटी मिलेगा। उधर क्या कि बीजापुर सिंधगी में कम से कम बोलेगा 30-40 हज़ार तलवार वाले लोग हैं, 30-40 हज़ार तलवार हो मतलब एक एमएलए उधर खड़ा होता है, उधर एक एमएलए जीत के आ जाता तलवार मत से, उधर कम से कम कितना महीना हो गया अभी वो सिंधगी उपचुनाव होके, कम से कम बोलेगा तो 4-5 महीना हो गया अभी तक तलवार को नहीं मिला, 5-6 दिन में करते करके बोल रहे थे एसटी, अभी हम क्या करेंगे बोलो, हमको जस्ट वो इलेक्शन आता है वो टाइम पर तलवार को एसटी करेंगे, आश्वासन देंगे तुमको करेंगे हम, तुम्हारा एसटी भला करेंगे ऐसा करके बोल के कुछ नहीं करते, ना जेडीएस सरकार ना बीजेपी सरकार ना कांग्रेस सरकार, आज तक हमको कोई एसटी नहीं दिया। केंद्र में गैजेट बीजेपी उन्होंने पास किया कि तलवार को एसटी दो, इधर राज्य सरकार बोल रहे मना कर रहे हैं लोग, ये लो तलवार को मत दो एसटी, हम कहाँ जाएंगे फिर, हम तलवार कौन है फिर, कौन है हम तलवार, वो तो बताओ हमको, खाली इलेक्शन आने के बाद तलवार याद आएंगे आपको, इलेक्शन में बोलेंगे ये तलवार समाज को हम एसटी करके देंगे, बीजेपी को वोट करो, ये तलवार समाज को एसटी करके देंगे, कांग्रेस को वोट दो, ये तलवार समाज को एसटी करके देंगे, जेडीएस को वोट दो, सबको किया हमने, तलवार नहीं दिख रहे, खाली इलेक्शन के टाइम में लोग को तलवार समाज याद आएगा, इलेक्शन के टाइम में इतना ही तलवार समाज को लोग वोट बैंक बना के लोग चला रहे, आज तक हम लोग चल रहे, अभी हमारा आगे का ये लोग को क्या है कि हम लोग एसटी मतलब ये नहीं मांग रहे, जो संविधान में जो लिखा है ना वो हम मांग रहे, किसी का बाप का ये नहीं मांग रहे हम, संविधान में जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो लिखा है संविधान, वो संविधान में ये तलवार समाज को एसटी चाहिए करके ऐसा बोल के लिखा हुआ है वो वाला मांग रहे हम, हमारा हक हम मांग रहे, तो ये लोग देने के लिए क्या तकलीफ हो रही है लोगों को हमें समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्शन आने के बाद तलवार जिंदाबाद बोलते हैं, तभी हर एक बोलते हैं तलवार को एसटी करेंगे एसटी करेंगे एसटी, हम देख के बुढ़ा हो गया भाई, अभी क्या करेंगे सर आप ही बताओ, अभी मीडिया वाले ये केंद्र सरकार तरफ पहुंचना चाहिए, हमको जल्द से जल्द तलवार समाज का एसटी मिलना चाहिए, नहीं तो आगे तीनों पक्ष तीनों एक दफा अगले हम देखेंगे फिर, तीनों लोगों को चैलेंज कर रहा हूं हम, जेडीएस को कांग्रेस को बीजेपी को, तीनों लोगों को, तीनों लोगों ने हमको अन्याय किया तो तीनों लोगों के सामने देखो तुम, तलवार समाज को जब वोट मांगने आओगे, एमपी चुनाव हो गया एमएलए चुनाव हो गया तो वो टाइम पर तुम मांगने आओगे, हम तलवार वाले क्या है करके हम दिखाएंगे तलवार का पावर, तब हम दिखाएंगे आप लोगों को। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, आदेश प्रति है मेरे पास है, मैं जाको तहसीलदार तहसील को अर्जी डाले तो भी तहसीलदार नहीं दे रहे, एक 45 दिन हो गए, मैं समाज कल्याण को लिखता हूँ उधर लिखता हूँ बोल रहे तहसीलदार, क्या तहसीलदार बड़ा है क्या हाईकोर्ट आदेश बड़ा है, ये हम समझ में नहीं आ रहे, इसके बारे में हम आगे तलवार समाज से हाईकोर्ट को आदेश को रिजेक्ट कर रहे हो ना, हाईकोर्ट आदेश है मेरे पास तलवार एसटी देना बोल के, इन्हों तहसीलदार नहीं दिए, इसका षड्यंत्र क्या है इसके बारे में हमको क्लियरली हमको ये देना है, हमको न्याय नहीं मिल रहा है, इधर किधर जाना, हाईकोर्ट तो आदेश दे दिया है एसटी देना बोल के, इन्हों नहीं दे रहे तहसीलदार, हम तहसीलदार के ऊपर क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, अभी मीडिया वाले हमको न्याय दिला सकते हैं, इतना ही बस, लक्ष्मीपुत्र तलवार जो हमें कर्नाटक
स्टेट तलवार एसटी होराट समिति से आज हम कलबुर्गी जिलाधिकारी के कचहरी के सामने हम होराट कर रहे हैं। बहुत दिन का हमारा एक बड़ी होराट, 40 साल से हमारा नेता जो विट्ठल हेरूर जी ने करते आए थे, हम ये वो होराट कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जो वो अभी कर्नाटक राज्य तलवार एसटी होराट समिति से होराट कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कर्नाटक सरकार को हमारे को एसटी सर्टिफिकेट दो। कई को एसटी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। हमारा नेता ने 40 साल से, हम भी बूढ़े हो रहे, वहाँ से लेकर अभी तक होराट चालू है, हमारा अभी भी जारी रहेगा। हमारे को हो एसटी सर्टिफिकेट होना, कई को आप नहीं दे रहे। अभी राष्ट्रपति ने अंगीकार करके आपको केंद्र सरकार से आप राज्य सरकार को भेजा है, वो आपने ये एसटी सर्टिफिकेट ये लोगों को स्टेट वाले को नहीं दे रहे। कर्नाटक स्टेट वाले को कई को नहीं दे रहे। वो चुनाव इलेक्शन आने टाइम में आप बोलते हैं आपको एसटी देंगे, कई को एसटी वो टाइम में बोलते हैं आप कई को नहीं दे रहे। हाँ, अबे आप क्या कर रहे हैं चुनाव के वास्ते? हमारे लोगों को बहुत तकलीफ कर रहे हैं आप। अब आप आश्वासन दे के हमारे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये मूर्ख सरकार है, मूर्ख लोग है बोल के आप ऐसा कर रहे हैं। आज हमारा पूजनीय देवताओं के पास रहने वाला जो कुमार बोल के हमारा समाज का बड़ी देवता है, वो देवता बड़े वो देवता की बड़ी हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री लेके हम आज उनको लाकर हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑफिस के सामने आज हम होराट कर रहे हैं। हम पहले भी मिनिमम 3 महीने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के सामने हम उपवास सत्याग्रह करें, फिर भी आप नहीं माने। लास्ट टाइम भी बोले आपको एसटी दे तो आप होराट यहाँ से रुकाओ, रुक गया हमारा होराट वहीं बंद करे, फिर भी आप वो हमारे को एसटी नहीं दे, कहीं को नहीं दे रहे। अरे स्टेट में हम अभी आपको लाखों जनों को एसटी दे के आपको नौकरी लगाएंगे, वो सब इलेक्शन में आके आप बातें करेंगे, बट आप हमारे को एसटी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अरे भाई, आपको वोट होना बोले तो हमारे पास आते, एसटी सर्टिफिकेट नहीं बोले तो ना हमारे पास नहीं आते। हाँ, अरे हमारे को तकलीफ करके आप राजभार कर रहे हैं। हाँ, हमारे को एसटी सर्टिफिकेट होना, हमारा जान जान दे, हम होराट कभी भी नहीं छोड़ते। हम चालू आंदोलन जारी रहने के लिए हम डेली हमारा गांव को जाके, हम एक एक गांव को जाके ये अभी चलवली और आंदोलन जारी रहने के लिए हम लोग अभी तीर्मान कर लिए हैं। हमारा होराट समिति से अब वो जारी रहेगा, हम होराट कंटिन्यू करेंगे, आपकी सरकार को गिरा के दिखाएंगे।